वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है 3 लिटिल पिग्स, यानी कि 3 छोटे सुअर। पिग्स मीन्स सुअर। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक बार 3 लिटिल पिग्स थे जिनका नाम सोनू, मोनू और गोनू था। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। सोनू जो था वो स्ट्रो से बने घर में रहता था। स्ट्रो मीन्स होता है घास फूस से बने हुए घर में। और मोनू जो था वो स्टिक से बने हुए घर में रहता था, यानी कि डंडों से बने हुए घर में। और गोनू वो ईंटों से बने हुए घर में रहता था। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस, एक बार एक बड़ा बुरा भेड़िया सोनू के घर में आया। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा। हाफ एंड पफ मीन्स जोर से, ब्लो मीन्स फूंक मारना। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन, इसलिए उसने जोर से फूंक मारा और उसका घर नीचे गिर गया। किसका? सोनू का घर नीचे गिर गया। सोनू रेन टू मोनूज हाउस, और अब सोनू जो था वो मोनू के घर की तरफ दौड़ा। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, और अब वुल्फ भी मोनू के घर की तरफ गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन, और उसने जोर से फूंक मारी और मोनू के घर को नीचे गिरा दिया। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस, और अब सोनू और मोनू जो थे वो गोनू के घर की तरफ दौड़े। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस, और वुल्फ भी गोनूज के हाउस की तरफ चला गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन, इसलिए वो जोर से फूका पर ईंटों से बना हुआ घर नीचे नहीं गिरा। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही मजबूत था। द वुल्फ वेंट अवे, और वुल्फ चला गया। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस, और सोनू और मोनू और गोनू जो थे वो उस लाल ब्रिक हाउस में, लाल ईंटों के बने हुए हाउस में साथ में खुशी खुशी रहने लगे। हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।